क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। आई होप यू आर हैविंग अ गुड थर्सडे। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं, एक कंपनी है डेटा लाइट करके, जिसका काम है रिसर्च और सर्वे करना और उसके अपनी कुछ रिसर्च के बेस पे कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करना। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च करी। उन्होंने ये देखा कि जो दुनिया की टॉप 100 एक्सचेंजेस हैं, जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर आखिर ट्रैफिक कौन कौन से देशों से आ रहा है और कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो उन्होंने क्या करा कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उनका जो ट्रैफिक सोर्स है कंट्री वाइज, उसको स्टडी किया, उसको एनालाइज किया एंड बेस्ड ऑन दैट दे केम अप विद दिस रैंकिंग। तो उन्होंने ये बताया कि भाई उनकी जो रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएसए जो है वो इसको लीड कर रहा है। यूएसए से सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें यूएसए से करीब 22 मिलियन लोग जो है वो इन 100 एक्सचेंजेस पे, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर जापान दूसरे नंबर पे है 6 मिलियन, कोरिया तीसरे नंबर पे है 5 मिलियन, यूके 3.8 मिलियन, रशिया 3.5 मिलियन, ब्राज़ील 3.1 मिलियन, जर्मनी 2.5 मिलियन, वियतनाम 2.4 मिलियन, टर्की 2.4 मिलियन, कनाडा 2 मिलियन एंड इंडिया इज़ ऑन 11th रैंक विद 2 मिलियन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम इंडियंस कितने एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इंडिया 11th रैंक पे है, यूएसए नंबर 1 है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी डेवलप्ड नेशन से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। अगर हम बात करें तो इंडिया पोलैंड से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, इटली से ऊपर है, स्पेन से ऊपर है, फ्रांस से ऊपर है और इंडोनेशिया से ऊपर है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट इस पूरी लिस्ट में चाइना दिखा नहीं, जो चाइना नहीं दिख रहा है, तो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सो दिस एनालिसिस वॉज डन बाय डेटा लाइट। तो इसको आप इसका हम लिंक आपको दे देंगे, इनफैक्ट हम इसके बारे में अभी ट्वीट भी करेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हर जगह दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर वादे होते हैं, और ऐसा ही एक वादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, मुझे लगता है कि होना तो ये हिंदुस्तान में चाहिए था और पता नहीं वो दिन कब आएगा, बट हिंदुस्तान की ऑस्ट्रेलिया की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसने ही बोला है कि हम लोग अगर इलेक्शन जीत गए, अगर पावर में आ गए, तो $3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, विच इज़ लाइक क्लोज टू $2.1 मिलियन इन टर्म्स ऑफ USD। तो उन्होंने ये वादा किया कि अगर हम लोग पावर में आ गए तो हम लोग ये इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये दिन हिंदुस्तान में कभी देखने को मिलेगा? कमेंट ज़रूर करिएगा कि एक दिन आएगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री को डालेंगे और बोलेंगे कि अगर हम पावर में आए तो हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक और सर्वे हुआ है यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर एक सर्वे हुआ है कि कितने लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो को पोजेस करते हैं, कि ओन करते हैं। तो 11% अमेरिकन्स, एज पर द लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट, 11% अमेरिकन्स जो हैं वो BTC होल्ड करते हैं, BTC को रखते हैं। ये सर्वे एक स्पेंसर बोगार्ट करके एक वेंचर कैपिटल फर्म है, उसने करा। तो विच इज़ फिनोमिनल, 11% बिटकॉइन बायर्स और 3% लोग रिटायरी जो हैं वहाँ पे, उनके पास बिटकॉइन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, जो एजेड लोग हैं, वो भी अब बिटकॉइन में ट्रस्ट दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने US में, और अपने रिटायरमेंट प्लान में बिटकॉइन को रखते हैं। 3% लोगों के पास बिटकॉइन है जो लोग वहाँ रिटायर हुए हैं। एलन मस्क न जाने ये क्या खाते पीते हैं, सुबह मॉर्निंग में पता नहीं क्या खा पी लेते हैं। इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया इथेरियम, और इथेरियम डालने के बाद फिर क्या था, फिर जिसे कहते हैं कि हिंदी में, देसी भाषा में कहते हैं कि बवाल हो गया क्रिप्टो इंडस्ट्री में। लोगों को लगा पता नहीं अब क्या होने वाला है। एलन मस्क ने इथेरियम को ट्वीट किया है और इथेरियम के बारे में रीट्वीट्स, लाइक्स, इथेरियम होने लगा सब जगह। और बाद में उन्होंने थोड़ी देर बाद लिखा कि जेके मीन्स जस्ट किडिंग।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतने बड़े लोग अगर फंड क्रिएट कर सकते हैं, एलन मस्क लेवल पे फंड क्रिएट कर सकते हैं, तो नीचे तो पता नहीं कितना फंड क्रिएट हो रहा होगा। तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए, अब जितनी देर में आपने ये सोचा होगा कि यार अभी इथेरियम ऊपर जाएगा और एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, और अब आप सोच रहे होंगे कि यार अपने हार्डवेयर वॉलेट से सॉफ्टवेयर अपना एक्सचेंज पे पैसे ट्रांसफ़र करूं, इथेरियम बाय करूं और जाके मैं इथेरियम खरीद लेता हूं, तो इथेरियम कहां 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 जाएगा। जितनी देर में आपने ये प्रिपरेशन करी होगी, उतनी देर में उसने लिख दिया कि वो ही वॉज जस्ट किडिंग। So you need to be very careful कि आखिरकार कितनी न्यूज़ में सच्चाई है, कितनी इसमें ये आखिर ये न्यूज़ करेक्ट भी है कि नहीं। So please apply your mind, please be very very careful in what you're doing। Goldman Sachs का नाम आपने सुना होगा, एक एसेट मैनेजमेंट डिवीजन जो है उनका, उन्होंने एक सर्वे किया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च बेस्ड बात आज ज़्यादा कर रहे हैं अपनी वीडियो में, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च निकल के आई है अभी रिसेंटली कुछ जगहों पे। गोल्डमैन सैश एसेट मैनेजमेंट डिवीजन ने 307 कंपनियों के इन्वेस्टमेंट चीफ और फाइनेंशियल हेड्स का एक सर्वे किया। और आपको मैं बता दूं, ये जो कंपनीज हैं, अगर इन कंपनीज को टोटल कर लिया जाए, इनको मिला लिया जाए, तो US डॉलर 13 ट्रिलियन का कारोबार ये कंपनीज देखती हैं। मतलब इनके इनके अंडर US डॉलर 13 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तो इन सारी कंपनीज के 307 इन्वेस्टमेंट चीफ्स और फाइनेंशियल हेड्स को साथ में बिठाया गया और उनसे एक सर्वे लिया गया। और सर्वे के अंदर ये निकला कि फाइनेंशियल 35% लोगों का कंसर्न है कि US में रिसेशन, उनका एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर US में रिसेशन आए तो दैट विल बी अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम। एंड 82% लोगों का कहना है, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 82% लोगों का मानना है कि US में रिसेशन 2020 तक आएगा ही आएगा। और अगर US रिसेशन में चला गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड भी, पूरी दुनिया US के ऊपर बेस्ड है, पूरी दुनिया की जो फियाट करेंसी है वो US डॉलर पे बैक्ड है और वो US पे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। और अगर US रिसेशन में जाता है तो दुनिया में रिसेशन आएगा, और अगर रिसेशन आएगा तो लोग सेफ हेवन की तरफ दौड़ेंगे, और सेफ हेवन में सबसे बड़ा जो सेफ हेवन है वो बिटकॉइन है। तो कुछ लोग गोल्ड की तरफ भी दौड़ेंगे, सिल्वर की तरफ भी दौड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो दौड़ेंगे वो मुझे लगता है कि वो बिटकॉइन के पीछे दौड़ेंगे, और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हमने अभी कुछ दिन पहले एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हमने मिस्टर विजय डालमिया के साथ हमने एक इंटरव्यू लिया, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन हमने इंटरव्यू लिया, कोई प्लान नहीं था, अगले दिन एक CipherTrace.com करके एक पोर्टल है, आप जा सकते हो, CipherTrace.com, उसका हम लिंक भी डाल देंगे। उन्होंने वो उनकी जो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट आती है, हर क्वार्टर पे आती है, तो जनवरी से लेके अप्रैल में उनकी एक रिपोर्ट आई। अगर मैं आपको बताऊँ, CipherTrace.com के क्लाइंट लिस्ट में बाइनेंस भी है। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML कंप्लायंस की सर्विस देती है। तो ये सर्विस के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। इनका ये कहना है कि पहले क्वार्टर में 2019 के पहले क्वार्टर में ऑलरेडी थेफ्ट, स्कैम और फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी में पता है कितने के हो गए, $1.2 billion टच कर चुका है पहले ही क्वार्टर में। तो आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा थेफ्ट हो रहे हैं, इतने बड़े स्कैम्स हो रहे हैं क्रिप्टो में, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो दुनिया में जो देश हैं वो जगेंगे ही जगेंगे। तभी आप देख रहे हो कि सारे देश FSB की मीटिंग कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, FSB में 17 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिला के इतने सारे देश इस पे क्रिप्टो करेंसी पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन्हीं वजहों से कर रहे हैं। आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 1.2 billion के थेफ्ट, स्कैम्स और फ्रॉड हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़े जो हैं वो जो इस रिपोर्ट में कहते हैं वो कोडरिका का $195 million और बिटफिनिक्स $851 million के फ्रॉड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बिटफिनिक्स पे $851 million जो है वो क्रिप्टो कैपिटल जो कंपनी थी उनके पास बिटफिनिक्स का जो रिजर्व्स पड़े थे वो रिजर्व्स वो क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके पास है ही नहीं, और बिटफिनिक्स के पास वो रिजर्व नहीं, वो स्टोरी हमने कवर की थी। तो ये भी उसको फ्रॉड की कैटेगरी में, इसको थेफ्ट की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है।
प्लस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि 46% इंक्रीज हुआ है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस, मतलब अमेरिका के अंदर 46% का इंक्रीज हुआ है कि पैसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से यूएस से बाहर भेजा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि यूएस में जो फाइनेंशियल वॉच डॉग्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी जाग खुल गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये निकल के आया है कि $8.7 trillion, मतलब दुनिया का 11.5% वेल्थ जो है वो लोगों ने अपने देश में नहीं रख रखी है, वो उन्होंने बाहर रख रखी है, मतलब ऑफशोर रख रखी है। मतलब दुनिया का जो 12% पैसा, 11.5% से 12% पैसा वो उस पर्टिकुलर देश में नहीं है, वो उस पर्टिकुलर देश से उसी का पैसा कहीं बाहर लोगों ने रख रखा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वॉच डॉग्स की नज़रें, वॉच डॉग्स फाइनेंशियल एजेंसीज की नज़रें इस पे, क्रिप्टो पे तेज़ होती जा रही हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि AML, टैक्सेशन, अपना क्रिप्टो का रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन रखा करें। कुछ भी काम अंधकार में, अंधेरे में, धप्पल में, जिसे देसी भाषा में कहते हैं तुक्के में, प्लीज़ इसको सीरियसली करें, करना है ना, सीरियसली करें। रिकॉर्ड मेंटेन करें एक्सेल के ऊपर, एक अकाउंट की अकाउंट्स मेंटेन करें, बाइंग सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करें, टैक्सेस पे करें, KYC का अपना ध्यान रखें, जितना भी आप इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि एक दिन ये मामला टाइट होगा, एक दिन रेगुलेट होगा चीज़ें कहीं ना कहीं। उस टाइम आप जितना आपके पास रिकॉर्ड होगा, जितना आपके पास चीज़ें अलाइंड होंगी, रेगुलराइज होंगी, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे कि फिनसेन है वहाँ का फाइनेंशियल, एक वहाँ पर डिपार्टमेंट है US में, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, वो ये कहता है कि जो वहाँ की जो एक्सचेंजेस हैं उनको अगर $1,000 से ऊपर किसी ने अगर वहाँ उन एक्सचेंजेस पे भेज दिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे US में, तो उनको और उनको 5 साल तक वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है किसी भी आदमी का। और अगर किसी ने $3,000 से ऊपर कहीं भेजे हैं तो एक्सचेंजेस को लाजमी है कि वो जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो उन्हें 5 साल तक मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि वो जो कभी भी उस एजेंसी को अगर चेक करना हो तो वो अपने उस डेटा को चेक कर ले। USDT की खबर आप सबको हमने बताई थी। USDT अगेन कोई बैक, खुद उनका जो अटॉर्नी है वो कह रहा है कि उनके पास सिर्फ 74% फियाट है USDT के पीछे, बाकी उन्होंने लोन्स दे रखे हैं और पैसे लेने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बड़ा सतर्क रहना है। अगर आपके USDT में पड़ा है, आपकी आपने कन्वर्ट मतलब USDT में अगर अपने पैसे को रखा हुआ है, तो मेरा ये एडवाइस है कि USDT के आसपास कोई अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं, और USDT भी डंप हो सकता है। अब आप बोलो कि डंप कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली USDT ओपन मार्केट में है, बायर और सेलर हैं। अगर वहाँ पे कोई और नेगेटिव खबरें अगर आगे आती हैं और जांच बैठती है फ्यूचर में, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि कॉइन फ्लिप करके एक ATM सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला है भैया हम USDT को अभी फॉर द टाइमिंग हम अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने ATMs में, हम इसकी अभी कन्वर्जन नहीं करेंगे। सो दे हैव स्टॉप डीलिंग इन USDT विच इज़ लाइक अ, सो सडनली कुछ ऐसी न्यूज़ अगर और दो चार आ गई तो कहीं ना कहीं USDT भी डंप हो सकता है। इट इज़ नॉट नो मोर अ स्टेबल कॉइन कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है, क्योंकि अगर फियाट से बैग्ड है और फियाट अपने आप में किसी चीज़ से बैग्ड नहीं है तो वो स्टेबल कॉइन कहाँ से हो गया। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छी खबर ये आ रही है क्योंकि हम पूरी दुनिया में कॉइन मार्केट कैप पे बहुत डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, अपने डेटा के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कॉइन मार्केट कैप ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है डेटा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अलायंस, जिसके अंदर बनांस भी है, OKX है, हुबी है, काफ़ी सारी मेजर एक्सचेंजेस, बिटफिनेक्स भी है उसके अंदर, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस उस अलायंस का पार्ट है। और इस अलायंस का पार्ट होने का मतलब ये है कि अब कॉइन मार्केट कैप ने बोल दिया है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए वो चाहती है कि जो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो अपना API का डेटा कॉइन मार्केट कैप से शेयर करें, ताकि उनके पास एक्सेस हो, लाइव ऑर्डर बुक और लाइव ट्रेडिंग का उनके पास एक्सेस हो। ये वो इसलिए चाहते हैं कि जो पीछे जो एक न्यूज़ आई थी फेक वॉल्यूम की कॉइन मार्केट कैप पे, वो आगे रिपीट ना हो, और जितने भी जो नॉर्मल एक इनोसेंट इन्वेस्टर है जो डिपेंड करता है कॉइन मार्केट कैप के डेटा पे और उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कदम कॉइन मार्केट कैप ने उठाया है, अपनी 6th anniversary पे ये कदम उठाया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, चीज़ें रेगुलराइज हो रही है। आई एम वंस अगेन टेलिंग यू,
चीज़ें धीरे धीरे अपने एक रेगुलर डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वंस अगेन हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं, आपके पास हम टैक्सेशन के ऊपर वीडियोज़ लाए, तीन वीडियो की सीरीज लाए, क्रिप्टो टू क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में बताया, हमने AML के ऊपर हम लेके आए। आगे भी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी देश के नामी ग्रामी लोगों का इंटरव्यू आपके सामने भी लेके आने वाले हैं। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्रिप्टो कानून के प्लान्स बड़े हैं और क्रिप्टो कानून आप लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि हम एजुकेट करें आपको कहीं ना कहीं एक सही दिशा में किस तरीके से क्रिप्टो में डील करना चाहिए उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी थॉट के साथ अगर वीडियो कैसा लगा, एनर्जी कैसी लगी आपको, ज़रूर इसके बारे में मेंशन करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना अच्छा है। विद दिस थॉट बने रहें क्रिप्टो कानून के साथ। थैंक यू वेरी मच।